तो नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारे जो मीडिया टेक का एक नया लॉन्च हुआ है, मीडिया टेक ने 0.6 एक नया वर्जन दिया हुआ है। अब नए वर्जन में क्या चीज अपडेट आई है, क्या चीज सिक्योरिटी पैच अपडेट आया है और इसके माध्यम से कौन कौन से मोबाइल फोन को और लॉक खोल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात क्या है, मैं अपने नए स्टूडेंट जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या कोई मैं क्लास में उन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस 6 वर्जन के बारे में नहीं पढ़ाया, जैसे मैंने अब तक 5 वर्जन के बारे में पढ़ाया है, 6 वर्जन के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो जो 6 वर्जन का जो तरीका आ गया है उसमें क्या क्या चीजें अपडेट आ गई है, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और हम ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहे हैं, जहां पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर हम आपको 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक की कंप्लीट पूरी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग समझते हैं कि कैसे मीडिया टेक 0.6 को यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहली बात, हमारे पास डोंगल होना चाहिए। देखिए ये कैसा डोंगल आता है, इस डोंगल को हम लोग अपने सिस्टम पर लगा देंगे। डोंगल को सिस्टम पे लगाने के बाद सबसे पहले बात अपना हम यूएमटी सपोर्ट को ओपन करेंगे। जैसे यूएमटी सपोर्ट ओपन करेंगे, हमारी स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स पर यूएमटी सपोर्ट हमारा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, ये जो सपोर्ट चलता है ये हमारे नेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए नया न्यू फीचर आया है, हम लोग इसको यूज करते हैं। ये देखिए 0.6, इसको ओके किया, स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया तो डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.6 कहाँ पर है। MTK 0.6, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है। ये 0.5, आपसे पहले मैंने 0.5 बच्चों के बारे में मैंने सिखाया था। हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो 0.6 खुल कर आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए इसमें नया क्या आया, मैं इसके बारे में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, नए नए वर्जन आते हैं, तो नए नए वर्जन आने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन आया और आप वीवो का ये वाला मोबाइल फोन है या टेक्नो का ये वाला मोबाइल फोन है, MI का ये वाले मोबाइल फोन है, जो नहीं हो पा रहे थे वो इसके अंदर मॉडल ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होने से वो काम करना हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए क्या चीज इसके अंदर ऐड हुई है, ये देखिए ISF। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज ऐड हुई है, ये देखिए। सबसे पहली बात क्या, ऐड होते समय यही बताता, पहली बात एडेड इन्फिनिक्स 2023 सिक्योरिटी। इसमें क्या अपडेट हुआ है, एडेड इन्फिनिक्स 2023 सिक्योरिटी प्री लोडर मोड एड हुआ है, सपोर्टेड। अच्छा, क्या सपोर्ट कर रहा है इसमें मीडिया टेक का MT6639, 6X, 6833, 7793। अच्छा, ये जो CPU लगा होता है ये तुम्हारे 5G मोबाइल फोन में CPU लगा है। ये कहां पर लगा हुआ है, ये 5G मोबाइल फोन में CPU लगा हुआ है, ये उनके बारे में दिया है। अच्छा, उनमें क्या कर सकते हैं आप, इनेबल ब्रू मोड, रीसेट प्रीलोडर, FRP रीसेट, फॉर्मेट FS, मतलब ये जितने सारे जो दिए हुए जो फीचर इसके अंदर दिए हैं वो फीचर को यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन को कभी कभी मच्छर छू लेता है तो अपने मन से स्क्रीन चलने लगता है, ये देखो कीड़ा है ये। लगता है मक्खी भी क्लास करते करते ये भी सीख गई है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग इसके देखिए ये हमारे सारे फीचर इसमें ऐड हो गए। और अच्छा, एक और चीज ऐड हुई है, ऐड पार्टीशन मैनेजर। मतलब जो पहले हम लोग पार्टीशन बनाने का भी इसमें सिस्टम दिया कि आप पार्टीशन को एक बार क्रिएट कर सकते हैं, रीड स्कैटर कर सकते हैं, फर्मवेयर, मतलब रीड स्कैटर। मतलब पहले ऐसा होता था मीडिया टेक के जो फर्मवेयर होता है उसको हम लोग कॉपी नहीं कर पाते थे, क्वालिकॉम की तो कॉपी कर पाते थे लेकिन मीडिया टेक को नहीं कर पाते थे। इसके अंदर रीड स्कैटर का एक ऑप्शन ऐड हो गया जो पहले नहीं होता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, डेस्कटॉप का आइकन बन जाएगा, इंस्टॉल करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा।
तो जैसे ही नया नया फीचर आता है तो उसमें लिख करके जो रेड कलर से मोटा मोटा लिख के आता है, भाई देखो ये चीजें ऐड हो गई हैं, आप इन चीजों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कैसे करना है उसका तरीका तो फिर बाकी आप सीख ही लेंगे। इंस्टॉल कर देंगे, फिल्टर ड्राइवर आ गया है, ओके करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मीडिया टेक का हमारा कहीं पर आ गया है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा मीडिया टेक का हमारा कहाँ पर है। अल्टीमेट मल्टी टूल मीडिया टेक, ये इसको ओपन किया, यस करेंगे, जैसे यस करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 0.6 लिख कर आ रहा है, मतलब 0.5 था उससे 6 आ गया। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें बढ़ गई। देखिए सबसे पहली बात क्या है, अगर आप देखेंगे इन्फिनिक्स न्यू सिक्योरिटी, जो इन्फिनिक्स के पहले मॉडल नहीं होते थे वो यहाँ पर बढ़ गए, कि आप इसके माध्यम से कोई इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन आता है जो नई सिक्योरिटी उसको फॉर्मेट एफएस करके एग्जीक्यूट कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे, एफआरपी को रीसेट कर देंगे, ये सारे काम आप कर सकते हैं। दूसरे काम होता था, पहले सिर्फ ओनली दो ऑप्शन आते, एक फ्लैश का ऑप्शन आता, दूसरा सर्विस का ऑप्शन आता था। तीसरा इसमें पार्टीशन मैनेजर बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, पार्टीशन मैनेजर बढ़ गया। पार्टीशन मैनेजर के बाद आप यहाँ पर रीड स्कैटर, रीड स्कैटर का मतलब क्या होता है, उसके फाइल को स्कैटर को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बूट फाइल रीड कर सकते हैं। ये सारा सब चीज इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए जैसे बूट पे क्लिक करेंगे आप फोन कनेक्ट कराएंगे वो बूट फाइल इसकी स्कैन कर लेगा। अच्छा बूट फाइल वो होती है जो जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक MI का मोबाइल फोन है या वीवो का मोबाइल फोन है, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन है, उसके अंदर MediaTek CPU लगा हुआ है और उसका बूट फाइल हम कॉपी करके किसी दूसरे मोबाइल फोन में बूट फाइल को हम लोग डाल सकते हैं, जिससे उस मोबाइल फोन को चालू किया जा सकता है, अगर उसका बूट करप्ट हो जाता है या उसका बूट डेड हो जाता है तो, अगर नहीं मिलता तो यहाँ से हम बूट को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर है वो नया हमारा फीचर ऐड हो गया है, स्टॉप करेंगे। अगर आप OFP का भी फीचर है, ये तो फिलहाल पहले ही आ चुका था, और ये जो इस समय आया हुआ है ये सर्विस में, ये इन्फिनिक्स के मॉडल ऐड हो गए। इन्फिनिक्स के जो ये मॉडल आते हैं फॉर्मेट एफएस करेंगे, इन्फिनिक्स के नए नए मोबाइल फ़ोन निकाले हुए हैं जो 2023 के नए मॉडल है, जिसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन 14 है, एंड्रॉयड वर्जन 13 है, ये जो लॉन्च हुआ है। इस मोबाइल फ़ोन को हम लोग इसके माध्यम से नहीं लॉक खोल पाते थे, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था वो वाले जो CPU है वो CPU सपोर्टिंग नहीं थे, अब वो CPU को सपोर्टिंग इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। जैसे ऐड कर दिया गया है तो आप इसके माध्यम से उस मोबाइल फ़ोन को क्या कर सकते हैं, लॉक खोल सकते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन का लॉक अनलॉकिंग हो जाएगी। तो इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं। बाकी यदि आपके पास MI, OPPO, VIVO, Realme, Tecno, Lava, Carbon, Infinix, Intex ये सारे मॉडल आते हैं तो यहाँ पर करेंगे सेव मोड फॉर्मेट पे जाके एग्जीक्यूट कर देंगे, आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर FRP हटाना चाहते हो तो यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन में FRP हट जाएगा। मेटा मोड से करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपका मेटा मोड से मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा, और ये मोबाइल फ़ोन ऑटो डिटेक्टेड करने पर ही सॉफ्टवेयर हमारा चलता है। अगर तुम पर्सनली मॉडल लेना चाहते हो तो आप मॉडल भी ले सकते हो, जैसे ओप्पो, रियलमी, वीवो, शाओमी, जो भी लेना चाहते हो तो ऐसे मॉडल भी आते हैं, लेकिन ये कौन से मॉडल आते हैं, MediaTek, कौन से MediaTek, जिसमें MediaTek का CPU लगा होता है, वो सारे मॉडल यहाँ पर हाईलाइट होते हैं, ये देखिए। तो इसके माध्यम से जो भी MediaTek के CPU को मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ इसमें क्या क्या नए नए फीचर जो ऐड हुआ है। इसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहली चीज़ जो ऐड हुई है वो तुम्हारा ये सिक्योरिटी ऐड हुई है, इसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं, और ये पार्टीशन ऐड हुआ है जिसके माध्यम से आप OS को रीड कर सकते हैं, बूट फाइल को रीड कर सकते हैं, ये सारे फीचर इसके अंदर ऐड हो गए हैं। तो दो चीज़ें ऐड हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो ये हमारा जो MediaTek का 0.6 वर्जन है, इस 0.6 के अंदर ये चीज़ें ऐड हुई हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग भी, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसे आप इन मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अपने डोंगल में ही जाकर अपडेट कर दीजिए। अच्छा ये डोंगल जो होता है आपको टाइम टू टाइम फीचर देता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। एक बार जो उसने पैसा लिया है उसी पर आपको हमेशा सर्विस देता रहता है,
ये एम टी प्रो डोंगल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नए नए जो अपडेट्स हैं वो हमेशा आते रहते हैं। आप उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग करते रहेंगे और मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर की अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, जो भी सारे काम होते हैं वो सारे काम आप आसानी साथ में करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने सीखा हुआ है कि मीडियाटेक 0.6 में क्या नई चीज़ आई हुई है और उसके बारे में हमने आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आप वीडियो आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके पास डोंगल है तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपने सपोर्ट में इंस्टॉलर में जाकर न्यू फीचर आएगा, जैसे अपडेट करेंगे तो आपका डोंगल चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो से संबंधित चैनल के डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, हमने आपके लिए और भी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन वीडियो को देखें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और ए से लेकर जेड तक बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं, कंप्लीट सीख करके जा सकते हैं ए से लेकर जेड तक, जिसमें पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा MMC प्रोग्रामिंग है, पूरा OCA रिपेयरिंग है, पूरा फुल कंप्लीट ट्रेनिंग होने वाला है। और आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है टोटल 45 दिन का है, पूरा 8 घंटे क्लासेस चलती हैं, फुल डे बच्चे क्लासेस करते हैं और आराम से अच्छे तरीके से सीख करके जाते हैं। और सारे बच्चों का एक ही मिशन होता है कि अच्छे तरीके से सीख करके अपना बिजनेस करें, अपना काम करें और उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। हमारी तरफ से सर जी देखिए, सबसे पहली बात है, एक बात की हमेशा सिक्योरिटी रहेगी कि आप जब आएंगे तो 100% सीख करके ही जाएंगे और पूरा कंप्लीट ट्रेंड होकर के जाएंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके जाएंगे ताकि आप अपनी शॉप को अच्छे तरीके से रन कर सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। आज मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे पास एक लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और वो लोग यहीं लोकल से रहने वाले हैं, समथिंग देखा जाए तो 25-30 किलोमीटर दूर उनका एक जगह पड़ता है भीतर गाँव, और उनके मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बहुत अच्छी दुकान है। और आज उन्होंने अपने मतलब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया। कोर्स को उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया, कह रहे हैं सर हमको 2-3 साल हो गया मोबाइल फ़ोन का काम करते करते, और हमने जब से आपकी वीडियो देखी तो पहले एक जगह हम सीख रहे थे, जब से वीडियो देखी तो वीडियो के माध्यम से दो साल मैंने समझ लीजिए आपके वीडियो के माध्यम से मैंने दुकान चलाई, काफ़ी चीज़ हमको काम करने का तरीका पता चला, कंपोनेंट की टेस्टिंग सारी चीज़ें जानकारी हो गई, हमसे फ़ोन काफ़ी ठीक होने लगे। तो फिर हमने सोचा कि सर क्यों ना आपके पास जाकर एक बार पूरा कंप्लीट ही ट्रेनिंग ले लें। तो सर उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, सुबह अपना क्लास में आते हैं 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्लासेस करते हैं, उसके बाद फिर अपनी दुकान को रन करते हैं, तो 4 घंटे हमें भी देते हैं और अपनी शॉप भी खोलते हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जब मेरे पास आए हैं तो अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे, या आप लोग भी इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कानपुर जो रेलवे स्टेशन पड़ता है, कानपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 300-400 मीटर दूरी पर पैदल वॉकिंग का डिस्टेंस है, एक सागर मार्केट जगह पड़ती है वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर है। सागर मार्केट ये अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, यहाँ पर 5-10 हज़ार से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। यहाँ पर दूर दराज के जितने भी सारे लोग हैं या जो सारे कस्टमर्स हैं या मोबाइल फ़ोन के यूजर हैं या जो लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन की दुकान खोल करके चला रहे हैं लेकिन वो रिपेयरिंग नहीं करते, तो झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन लाते हैं यहाँ पर ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों के पास भी आते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कराने के लिए, तो हम उनको मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास एक अहमद जी आए थे, जो वैसे कहते कि सर मैं ट्रेलिंग का काम करता था, कपड़े सिलाई का काम करता था, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम डाउन हो गया क्योंकि सारा रेडीमेड का काम आ गया, तो मेरे कपड़े का काम थोड़ा सा डाउन हो गया। फिर मैंने सोचा कि कोई नया बिजनेस क्या किया जाए, नया बिजनेस आइडिया के बारे में मैंने सोचा, तो मुझे आपका वीडियो मिल गया। तो वीडियो मैंने 10-12-15 वीडियो मैंने देखी और बड़ा इम्प्रेस हुआ, तो आज सर आपके पास मिलने आए। और ये अपना एक मोबाइल फ़ोन में लेकर गए थे, MI का 5A मोबाइल फ़ोन था, उनके मोबाइल फ़ोन में टच ख़राब थी, तो कह रहे सर पहले मैंने अपने दोस्त के यहाँ पर 350 रुपये का बनवाया था और हम लोगों ने आज उसके मोबाइल फ़ोन के मात्र 100 रुपये की टच चेंज करके उनके सामने बना दिया, उनको सिखा भी दिया। तो उन्होंने बोला सर इतना तरीका आसान है, ऐसा लगता है कि मैं खुद देख करके बना सकता हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि सर मैं मंडे से अपने क्लास को ज्वाइन करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये बिजनेस नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखो कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है और वो बिजनेस अच्छी तरीके से नहीं चलता तो उसको लगता है कि कोई हमारा दूसरा भी काम स्टार्टअप हो जाए। तो सर उन्होंने अपना सोचा और अब अच्छी तरीके से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को न लंबा करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो संबंधित और जानकारी के लिए और भी वीडियो देखें। ट्रेनिंग लेने से कम 10-15-20 वीडियो तो देखें, जब 10-15-20 वीडियो देखेंगे तभी आपको तरीका समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।